रात के 3 बज रहे हैं और अभी हम लोग निकल रहे हैं, मौसम भी ख़राब लग रहा है। सासाराम के लिए हम लोग निकलने वाले हैं जस्ट अभी, क्योंकि जितना जल्दी निकलेंगे उतना जल्दी पहुंचेंगे, क्योंकि मौसम भी अभी ख़राब है। आइए। ये देखिए सूर्यवंशम स्कूल। सोनी टीवी के बाद सूर्यवंशम कहीं दिखा है तो यही दिखा है, आपको भी यही दिखेगा। आए जी, सही बात। सोनी टीवी के बाद कहाँ दिखेगा? यहाँ दिखेगा। नॉलेज इज पावर, इंग्लिश ग्रामर। लोग होंगे 420, लेकिन ये मेरा दोस्त 120 है। चलते चलते इतना दूर तो आ गए हैं, रास्ते खत्म नहीं हो रहा है साला, कहीं जीवन नहीं खत्म हो जाए रास्ता खत्म होने से पहले। वो भी बोलना, भला आदमी, भला आदमी है जी। देखिए तो हमको ये फंसा के लाया है, इतना दूर गाड़ी चलवा रहा है। देखिए ये रास्ता है, भटिया रा साला। देखिए भलाई का जमाना नहीं है, आप लोग भी भला काम करने के चक्कर में मत रहिए, ठीक है? नहीं तो ऐसा ही नतीजा होगा, ऐसे ही गाड़ी के पीछे बैठ के खड़ा रहिएगा, समझे? बैठिए के खड़ा रहना पड़ेगा। और हमारा काम नहीं हो पाया तो हम केवल इस मंदिर को घूम के और वापस अपने घर की तरफ बढ़ चले। इस तरह का है, कुछ देर पहले ऊपर से कुछ कुछ आवाज भी आ रही थी। और अभी हम इस जंगल में फंसे हुए हैं और देख सकते हैं कितनी हॉरर वाइब आ रही है। सामने से देखिए एक बाइक भी आ रही है सुनसान रास्ते पर। तो गाइस रात के 12 बज रहे हैं और हम इस तरह के बिहड़ एरिया में आके फंस चुके हैं। यस गाइस, तो देख सकते आप हैं। देख सकते हैं इस घर के बारे में मैंने पता किया तो लोग बोल रहे हैं कि इस घर में बहुत पहले बहुत बड़े बड़े व्यापारी रहते थे। हाँ। और एक बार आग लगने के कारण इसमें 2 लोगों का मौत हो गया, इसी कारण से इस घर को अब छोड़ दिया गया है और यह पुराना खंडहर जैसा रह गया। ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये पूरा खंडहर वाला एरिया है और वहाँ पे उसका एंट्रेंस है। देख सकते हैं गाइस यहाँ से कितनी हॉरर वाइब आ रही है और ये एक रियल स्टोरी है। और हमें इतना ज्यादा हॉरर वाइब यहाँ से आ रहा है, वहाँ से आवाजें भी आ रही हैं, लेकिन हम वहाँ जाके देखेंगे नहीं, क्योंकि हम फिल्म जैसे पागल नहीं है कि जहाँ से आवाज आए वहाँ पे जाके देखें। हमें कहना है कि कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है, हम चुपचाप यहाँ रहेंगे और जब तक हमारा गाड़ी ठीक नहीं हो जाता है हम लोग यहीं रहेंगे और चुपचाप गाड़ी में बैठेंगे और इस घर को बस याद रखना है। तो उस जगह को छोड़ के अब हम लोग आ गए हैं मंदिर के पास, रात में क्योंकि मत निकलिएगा, लेकिन जहाँ भी मंदिर है वहीं पे हम लोग सेफ है, तो इसीलिए हम लोग सब लोग आ जाते हैं मंदिर के पास, क्योंकि ये एक बहुत ही हॉरर इलाका है तो इधर मंदिर के पास रहना सबसे ज्यादा सेफ है, सबसे ज्यादा सेफ है। आप भी सेफ रहें, सुरक्षित रहें, कभी भी रोके तो मंदिर के पास ही रोके।